आदाब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक अहम जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, जहां झारखंड चुनाव पर सभी की निगाहें बनी हुई थी तो झारखंड चुनावों में उतर करके ओवैसी ने यकीनन विपक्ष को परेशान कर दिया और चिंता के सबब में डाल दिया कि झारखंड चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने से कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना नहीं होगा, इसके बारे में अंदाजा लगाने लगे थे। और सुबह से जब से रिजल्ट आज आना था झारखंड चुनाव का, तो सुबह से फोन कॉल आना शुरू हो गए कि झारखंड में AIMIM की कितनी सीटें आई हैं और AIMIM का वोट प्रतिशत कितना रहा है। पहली बार झारखंड में अपनी किस्मत आजमाने उतरी AIMIM को झारखंड से मायूसी हाथ लगी है। वहां पर AIMIM को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है, पर लोग इस बात के लिए AIMIM की तारीफ कर रहे हैं कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और उसका वोट प्रतिशत नीतीश कुमार की पार्टी और RJD से अच्छा रहा, जो दिग्गज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी झारखंड में नहीं कर पाए उससे एक कदम आगे निकलती हुई इस झारखंड चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नजर आई है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने झारखंड में एड़ी चोटी का दमखम लगा दिया था झारखंड जीतने के लिए, तो लगातार रैलियों पर रैली करते हुए झारखंड में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। तो जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में थे तो इस कार्यभार को दिया गया वारिस पठान, इम्तियाज जलील, और इसके साथ साथ जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में व्यस्त थे तो उन्होंने ये कार्यभार दिया इम्तियाज जलील, जो औरंगाबाद से सांसद हैं, वारिस पठान, और हैदराबाद के तमाम वो MLA वहां जाकर के रैलियां करते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ झारखंड चुनाव को जीतने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एड़ी चोटी का दमखम लगा दिया, पर AIMIM पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और ये देखते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि यूथ से जब बात करने की कोशिश की तो उनका यह अंदाजा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बार झारखंड में कुछ सीटें निकाल सकते हैं। पर इसके मुतालिक जब भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बात पूछी गई कि जितनी भीड़ उनकी रैलियों में आती है क्या वो इतने वोट हासिल कर पाएंगे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कई बार बोलते हुए ये नजर आए कि ये भीड़ अगर वोट में तब्दील हो तब जाकर के हमारी जीत मानी जाएगी, क्योंकि आवाम जो है वो सुनना पसंद करती है, वो जब वोट डालने की बारी आती है तो वो जाएगी कांग्रेस के पास, वो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के पास या जो क्षेत्रीय पार्टी होगी उसके पास। ये कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है। और इसके साथ साथ अगर वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो वोट प्रतिशत झारखंड में AIMIM का RJD और JDU से बेहतर रहा है, जिसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में 14 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उतरी थी, तो वहीं कुछ सीटों पर जमानत जब्त हुई है, तो एक दो सीटों पर कांटे की टक्कर देती हुई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नजर आई है। ज्यादा ना बात करके आपको बताता हूं कि कौन कौन सी सीट पर कहां कहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट पड़े हैं। अगर मैं बात करूं राजमहल की तो नशीमा खान वहां चुनावी मैदान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उतरी थी, उन्हें मात्र 529 वोट मिले जिनकी जमानत जब्त हो गई।
तो वहीं अगर बात करूं मधुपुर की, तो मोहम्मद इकबाल चुनावी मैदान में थे, 5690 वोट मिले, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। अगर बात की जाए सराट की, तो मुमताज अंसारी चुनावी मैदान में थे, 6035 वोट मिले, उनकी भी जमानत जब्त हो गई। अशोक कुमार सिंह जो महकमा से थे, उनको मात्र 2578 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई है। बारघाटा में मोहम्मद अशरफ अंसारी चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें 14897 वोट मिले, जहां से ये खड़े हुए थे वहां पर आरजेडी का वोट प्रतिशत एआईएमआईएम के कैंडिडेट से भी नीचे रहा, जहां उन्हें सिर्फ मात्र 5000 वोट मिले हैं। तो वही बात अगर करूं बारका गांव की, वहां पर प्रीतम सिंह चुनावी मैदान में थे और 2682 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर बात करूं मंडू की, तो हामिद हाशिम 6278 वोट मिले और वो एआईएमआईएम की तरफ से चुनावी मैदान में थे। और इसी के साथ अगर हजारीबाग की बात करूं, तो नदीम खान चुनावी मैदान में थे, उन्हें 6998 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत जेडीयू से बेहतर रहा। तो वही बात अगर की जाए धनबाद की, तो मोहम्मद दानिश चुनावी मैदान में थे और वहां पर एआईएमआईएम को मात्र 8000 वोट मिले। और अगर बात की जाए बोकारो की, तो मुस्कर आलम सिद्दीकी को 4868 वोट मिले और इनका वोट प्रतिशत बहुत कम रहा, जिसके चलते उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर बात की जाए जमशेदपुर वेस्ट की, जहां तबरेज अंसारी हत्याकांड हुआ था, वहां पर रियाज सैफी चुनावी मैदान में थे, वहां पर एआईएमआईएम को 5632 वोट मिले। तो इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मांडर की, 12वें कैंडिडेट की बात करूं, तो मांडर में श्री लाकरा को चुनावी मैदान में उतारा गया था, उनको मात्र 23362 वोट मिले, जहां आरजेडी और जेडीयू के कैंडिडेट पिछड़ते हुए इनसे नजर आए। तो वहीं अगर बिश्रमपुर की बात करूं, तो अशरफी राम जो 8610 वोट हासिल किया है उन्होंने। अगर बात करूं घरवा की, तो मोहम्मद नसीमुद्दीन खान चुनावी मैदान में थे और उनको 40000 वोट मिले हैं, जहां पर वो इस पर पूरी तरीके से पिछड़ते हुए नजर आए। तो वोट प्रतिशत अगर बात की जाए एआईएमआईएम की, तो कुल 1,32,241 वोट एआईएमआईएम अपने पहले चुनाव में निकालती हुई नजर आई, जो इसका वोट प्रतिशत आरजेडी और जेडीयू से काफी बेहतर देखा गया। तो वहीं कई दिग्गज धराशाही हुए, तो सभी की निगाहें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर टिकी हुई थी, पर वहां से उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। और इसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में जो चुनावी हार हुई, उसका सारा सिरा अपने सर पर ले लिया और ये बोल दिया कि कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रही होगी, जिसके चलते हम जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक हार हार गए तो झारखंड को छोड़ देंगे और मजबूती से झारखंड में अपनी पैठ को मजबूत करेंगे। तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।